हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 144 से सेक्शन 150 तक के डिस्कस करेंगे। सेक्शन 144 इसका एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पुनः उसको पलट देना। रेस्टिट्यूशन में अगर कोई चीज हुई है उसको फेरफार करा लेना, बदलवा लेना, परिवर्तित करा लेना, इस चीज के बारे में इसमें बताया गया। इसमें कहा कि कोई भी कोर्ट, जो प्राइमरी कोर्ट है या अदर कोर्ट है, वो कोई डिक्री या ऑर्डर पास करता है और किसी पक्षकार को ऐसा महसूस होता है कि ये डिग्री ऑर्डर उसके खिलाफ है और उसका निर्णय या उसको न्याय उसके नहीं मिला, तो वो उस न्याय को पाने के लिए, मतलब उसको ऑर्डर या डिग्री को बदलवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए या तो अपील कर सकता है या रिवीजन कर सकता है या रिव्यू कर सकता है। तो वो इन तीन चीजों में से यादर कोई चीज जो चेंज करने के लिए, वो एप्लीकेशन फाइल करता है और उस एप्लीकेशन से जो अदर कोर्ट है, जिस कोर्ट में उसने एप्लीकेशन डाला है, उसके लिए वह, चाहे वो ब्याज के लिए हो, चाहे नुकसानी के लिए हो, चाहे वृत्तिकर के लिए हो, चाहे लाभ के लिए हो और चाहे कोई भी प्रॉफिट के लिए हो, उस आदेश में, उस डिक्री में फेरफार कर सकता है, उल्टा कर सकता है, अपास्त कर सकता है। तो ये पावर इसमें दे दी सेक्शन 144 में कि कोई भी व्यक्ति अगर व्यथित है किसी आदेश या डिक्री के खिलाफ में, तो वह अपना न्याय पाने के लिए आगे जा सकता है। इस बात के लिए सेक्शन 144 है। अब सेक्शन 145 कहता है, इन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी धन के मामले में या अन्य मामले में सियोरिटी देता है अपनी या प्रॉपर्टी की, तो उस पर क्या लायबिलिटी होगी, उसके बारे में क्या कहा जाएगा, वो सेक्शन 145 बताता है कि किसी भी डिग्री या उसका पार्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रिस्टिट्यूशन या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कराने के लिए, रिस्टिट्यूशन मतलब परिवर्तित कराने के लिए, डिग्री कराने के लिए उसके किसी पार्ट या उसके किसी पेमेंट को अगर कराते हैं और वह व्यक्ति उसके लिए सिक्योरिटी देता है, अगर सिक्योरिटी देता है तो एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ में होगा, वह व्यक्ति नहीं है। सपोज करो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के खिलाफ में डिग्री हुई और बी व्यक्ति या ए व्यक्ति ही अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखता है या बी व्यक्ति रखता है या स्वयं की सिक्योरिटी रखता है, तो उसके खिलाफ में क्या होगा जब एग्जीक्यूशन कर रहा हो, किया जा रहा होगा। तो एग्जीक्यूशन में कहा गया, इसका सब क्लास 1 कहता है, इफ ही रेंडर हिमसेल्फ, अगर उसने अपने स्वयं की सिक्योरिटी दी है, अपने स्वयं की सिक्योरिटी दी है, अगर खुद की पर्सनली लायबिलिटी उठाई है, तो उसके खिलाफ में होगा, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ में हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने फर्निश्ड बाई एनी प्रॉपर्टी, अगर उसने किसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखा है, किसी प्रॉपर्टी को लेके, ये प्रॉपर्टी है उसके सिक्योरिटी के लिए कि ये हम धन दिलवाएंगे या ऐसा कृत्य करवाएंगे, तो अगर सिक्योरिटी किया है प्रॉपर्टी की, तो बाय इसके खिलाफ सच प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर की जाए, उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इसका सब क्लास 3 कहता है, ये बोथ, अगर उसने पर्सनली भी दी है और प्रॉपर्टी भी रखी, कोर्ट दोनों मांग सकता है। अगर उसने दोनों दी है तो अंडर सेक्शन 47 इसके तहत दोनों के खिलाफ में उसमें एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। ये बात सिंपल सी 145 में कह दी गई। सेक्शन 146 कहता है, प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ या उसकी बिहाफ पर क्या कार्रवाई होगी, एज गिवन इन दिस एक्ट, जैसे इस एक्ट में दिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन आएगा, कैसे आएगा,
उस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव इसमें किया जाएगा। When any person are opposed him, अगर वह कोई पर्सन है एक तरफ का या उसका विरोध करता है और एक्शन करता है रिप्रेजेंटेटिव, एक्शन करता है रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेन पार्टी की जगह पर, तो अपोजिट पार्टी का भी अर्थ होगा कि उसके खिलाफ में एक्शन वो कर सकता है। मतलब एक तरफ से अगर एक्शन किया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर कोई बात कहता कि नहीं ये बात इसने गलत किया है, तो वह व्यक्ति अपनी गलती को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए उसके खिलाफ में एक्शन कर सकता है। तो इसमें कहा प्रोसीडिंग बाई और अगेंस्ट, या उसके द्वारा या उसके खिलाफ में, तो इन दोनों के खिलाफ में, रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ में इसमें एक्शन किया जा सकता है। अब सेक्शन 148 कहता है कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसएबिलिटी। कोई अयोग्य व्यक्ति है, हाथ जो डिसएबिलिटी है उसको, डिसएबिलिटी पर्सन पार्टी इन सूट, अगर कोई पर्सन जो डिसएबिलिटी है जिसको, और वह उस वाद में पक्षकार है, एट एनी पार्ट ऑफ एक्शन, उस दावे के किसी भी, दावे के चलने के किसी भी पार्ट पर, मतलब दावा स्टार्ट हो गया उसके किसी भी समय, वह ऐसा कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है कि उसका जो मित्र है या उसका जो जो उसका अच्छी सोच वाला है, जो उसका सहपाठी है या उसका गार्जियन है, या ऐसा व्यक्ति जिस पर वो भरोसा करता है, उस व्यक्ति को वही पावर हो जाएगा अगर उसने अपनी जगह दिया जो उस व्यक्ति का स्वयं का पावर था। मतलब कोई अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के खड़ा हो जाता है, या उस डिसएबिलिटी पर्सन, डिसएबिलिटी जो है उसमें, उसकी जगह पर खड़ा होकर के वो उस प्लेंट को चलाता है, तो दैट इट विल सेम फोर्स एंड इफेक्ट, उसका वही इफेक्ट पड़ेगा जैसे डिसएबल पर्सन स्वयं कर रहा हो। सेक्शन 148 कहता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। जो कोर्ट में टाइम मिलता है किसी चीज का, उस कोर्ट को ये पावर है कि वो टाइम को इनलार्ज कर सकता है, टाइम को बढ़ा सकता है। तो वेयर एनी वेयर कोर्ट फिक्स्ड एनी पीरियड फॉर डूइंग द वर्क, सपोज करो उसने, कोर्ट ने कह दिया कि नेक्स्ट डेट पर विटनेस को उपस्थित होना है, या 7 days के अंदर उपस्थित होना है, और उस विटनेस को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो एप्लीकेशन देता है कि इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन 30 days से ज्यादा नहीं। इसमें कहा कि वो 30 days से ज्यादा इनलार्ज नहीं कर सकता। सेक्शन 148 में कोर्ट को ये पावर दी गई कि जो उसने टाइम निर्धारित किया उसको वो बढ़ा सकता है। अब सेक्शन 148A वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट टू लॉज ए कैवियट, कैवियट को लॉज करना, ये सेक्शन 148A इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहा कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में फाइल होने वाली है, मान लेते हैं कि हमारे खिलाफ कोई दावा कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, और कौन कौन व्यक्ति फाइल कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के तहत फाइल कर सकते हैं, वो हमें पता है, तो हम जो उसके ज्यूरिडिक्शन वाली कोर्ट होगी उस कोर्ट में कैवियट लगा सकते हैं, एनी पर्सन क्लेमिंग टू राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फाइल कैवियट। हम अपने अधिकारों को बताने के लिए पहली डेट पर उस कोर्ट में कैवियट लगा सकते हैं, उस कोर्ट में एक पेपर लगा सकते हैं कि हमें जब ये केस फाइल हो तब हमें सूचना दी जाए, मैं उपस्थित हो करके इस फर्स्ट डेट में अपनी बात रखूंगा, और पहली डेट में कोई भी उसका आर्डर जब तक उपस्थित नहीं हो जाते नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, एक कैवियट, एक एप्लीकेशन बना लेनी है, और सर्व ए नोटिस ऑफ कैवियट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट,
और जो जो व्यक्ति पार्टीज हैं जो केस फाइल कर सकती है उनको रजिस्टर्ड डाक से उसको भेज देना है, किसको, जो एप्लीकेशन बनाई, और उसकी रसीद को लगा करके एक एप्लीकेशन को वही कोर्ट को दे देना है कि मैंने जो अपोजिट पार्टी जो केस फाइल कर सकती है जिनकी संभावना है उनको इंफॉर्मेशन दे दी है और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये पार्टियां अगर केस फाइल करती है तो हमें सूचना दी जाए। अब इसके सब क्लास टू कहता है कोर्ट गिव इंफॉर्मेशन टू कैविएटर, जैसे ही वो फाइल करेगा केस को कोर्ट उसको बताएगी कि आपके खिलाफ में ये कैविएट लगी हुई है, आप इस व्यक्ति को सूचना दें, और कोर्ट हमें जिसने कैविएट लगाई है उसको सूचना देगी, और वह कैविएटर जो है अपने खर्चे पर वो सारी कॉपियों को जो कोर्ट में केस फाइल कर रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कलेक्ट करेगा, उससे लेगा, और ले करके वो जब कोर्ट में अपीयर होगा तो अपनी बात को, अपने राइट को भी वो रखेगा। कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। कैविएट में जिस दिन कोर्ट को हमने फाइल किया एप्लीकेशन विद रसीद कि ये हमारा दर्ज है तो वो लॉज होने की डेट, उस डेट से कैविएट कितने दिन तक मेंटेन रहेगी, 90 डेज तक। 90 डेज के भीतर में अगर वो पर्सन दावा फाइल करते हैं तो कोर्ट कैविएटर को सूचना देगी और सारी कापियां उपलब्ध करवाएगी कैविएटर के खर्चे पर, और उसके बाद कैविएटर अपने राइट को कोर्ट के सामने जैसे कोर्ट में अपीयर होता है वैसे ही फाइल करके अपने राइट के बारे में बात कर सकता, बता सकता है। सेक्शन 149 कहता है पावर टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फीस। अगर कोई कोर्ट में केस फाइल किया गया, सूट फाइल किया गया, और उसमें कोई भी पूरी या हाफ या कोई भी पार्ट उसका कोर्ट फीस का रिमेन है, बचा हुआ है, तो सेक्शन 149 कहता है कि प्रोसीडिंग के किसी भी टाइम पर, मतलब किसी भी स्टेज पर कोर्ट को जब ये पता चलता है कि ये फीस उसकी बाकी है तो कोर्ट उसको निर्देशित कर सकता है कि ये फीस वो कोर्ट को जमा करे, और वो जब व्यक्ति कोर्ट में फीस जमा कर देता है तो वो ऐसी मानी जाएगी जैसे केस जब सब्स्टिट्यूट हुआ था, केस जब दाखिल किया गया था उसी दिन उसने उस फीस को जमा किया है, ऐसा उसको माना जाएगा। सेक्शन 150 कहता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। इसमें कहा गया कि अगर कोई एक केस एक कोर्ट में चल रहा है और उस कोर्ट को दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जब दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर किया गया तो दूसरी कोर्ट को उसके टोटल राइट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरी कोर्ट को वही पावर होगा, वही उसकी लायबिलिटीज होंगी, वही उसकी ड्यूटीज होंगी जो पहले कोर्ट की थी। तो इसमें सेक्शन 150 में कहा कि अगर कोर्ट का एक केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी लायबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज और उसके पावर वही रहेंगे जो पहली कोर्ट के थे। तो अब इसमें सेक्शन 144 से सेक्शन 150 तक क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 151 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।